गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन मिश्रा। पठानकोट पर हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट जारी है। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए 3 लेयर का सुरक्षा इंतजाम पूरे दिल्ली में किया गया है। यानी पहले की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस ने अपने हाथों में रखा है, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों में है और तीसरी सुरक्षा व्यवस्था 3,500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सभी कैमरों की बारीकी से निगरानी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आम जनता से अपील भी की है वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है तो तत्काल इस बात की सूचना स्थानीय पुलिस को दें। अब तक 19 संदिग्ध आतंकी को NIA ने गिरफ्तार किया है और उसे सघन पूछताछ की जा रही है। खलीफा उल हिंद नाम से इसने संगठन भी बना रखा था और इनके पास जो सामान बरामद हुआ है उनका इस्तेमाल विस्फोटक में होता था। यानी NIA पूरी तरह से सतर्क है और अलर्ट भी जारी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था राजपथ की अगर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड यहाँ पर किया हुआ है और हर आने जाने वाले की सघन तलाशी यहाँ पर ली जा रही है और पूरी चौकसी यहाँ पर बरती जा रही है। यानी कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।